हम आते हैं CSS सिलेक्टर के पास। अब जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा था, हमने से कहा था कि H1 को सेलेक्ट करो और मॉडिफाई कर दो। तो H1 क्या है? एक सेलेक्टर है। हम CSS से बोल रहे हैं कि इसको सेलेक्ट करो, किसको सेलेक्ट करो। वो नहीं समझता H1 क्या है, वो समझता है H1 है, टैग है, तो उसे उसी तरीके से सेलेक्ट करेगा। तो हमारे पास सेलेक्टर भी होते हैं, CSS सेलेक्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बहुत कॉमन 8 होते हैं कॉमन में। सबसे पहला आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर की पहचान क्या है? यूनिवर्सल सेलेक्टर की पहचान है कि उसके साथ स्टार का सिंबल लगा होगा, और ये सभी के लिए होता है। मतलब कि इसका कहना ये है कि हमारे पेज में हम CSS का यूज़ HTML को मॉडिफाई करने के लिए कर रहे हैं, HTML को CSS स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे इसको स्टाइल दो, इसको स्टाइल दो, मतलब H1 को स्टाइल दो, P को स्टाइल दो, HTML को स्टाइल दो। यहाँ पे हम इससे बोल रहे हैं HTML या फिर CSS से कि सारे टैग को सिलेक्ट करो, हमारे HTML में जितने भी टैग हमने यूज़ किए हैं उनको सिलेक्ट करो और सबको एक साथ प्रॉपर्टी दे दो ब्लैक। इसका मतलब कि टेक्स्ट के कलर को हम बोल रहे हैं ब्लैक करने के लिए, तो सबके लिए अप्लाई होगा। तो इस तरीके के सेलेक्टर को हम कहते हैं, इस तरीके के सेलेक्टर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसके बाद टैग सेलेक्टर होता है। टैग सेलेक्टर की पहचान कि टैग का नाम लिखा होगा। अब यहाँ पे H1, P टैग, B टैग, जितने भी टैग होते हैं दुनिया भर के, यहाँ पर वो लिखे होंगे। उसका मतलब हम बोल रहे हैं CSS से कि इस तरह के टैग को सिलेक्ट करो, इसलिए इसका नाम है टैग सिलेक्टर। मतलब यहाँ पर दो सिलेक्टर हो गए, यूनिवर्सल एंड टैग सिलेक्टर। क्लास एंड ID पहचान, डॉट का सिंबल लगा होगा और कोई नाम लिखा होगा बिना स्पेस के, वो क्लास है। हैज़ लिखा होगा और बिना स्पेस से कोई नाम लिखा होगा, तो वो आईडी है। अब क्लास का यूज़ होता है कि एक ही जैसी प्रॉपर्टी हम दो तीन ऑब्जेक्ट को देने वाले हैं, तो हम क्लास का यूज़ करते हैं, और आईडी का यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक के लिए ही वो प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है और वो पेज में केवल एक ही होगी, क्योंकि आईडी एक ही होती है, उस जैसी आईडी एक पेज पर कोई दूसरी नहीं मिलेगी आपको। ये आईडी और क्लास के बीच में डिफरेंस है, इसको आपको हमने शॉर्ट में समझा दिया। यहाँ पे और भी सिलेक्टर होते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, देखिए अभी हम इन चार सेलेक्टर के ऊपर काम करके देखते हैं।